दोस्तों जब से गूगल कंपनी अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में अनाउंसमेंट किया है तब से दुनिया में सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। आप बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार होती क्या है और ये काम कैसे करती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। जो सेल्फ ड्राइविंग कार है इसका मतलब है आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ड्राइव करेगी, यानी कि आपको इसमें स्टीयरिंग नहीं मिलता, साथ ही साथ आपको उसमें गाड़ी ड्राइव नहीं करना पड़ता। आपको गाड़ी में ये नहीं देखना पड़ता कि गाड़ी सही जा रही है, सीधी से डायरेक्शन जा रही है या फिर गलत डायरेक्शन जा रही है। ऑटोमेटिक यानी सेफ ड्राइविंग कार में ये सारे काम अपने आप हो जाते हैं। अब बात करते हैं काम कैसे करती है। सेफ ड्राइविंग कार होती है उसमें आपको उसकी उसके अंदर एक अलग से हार्डवेयर लगाया जाता है, यानी गूगल कंपनी ने अपना खुद का हार्डवेयर जितनी भी सेफ ड्राइविंग कार है उसके अंदर लगाया है। जो सेफ ड्राइविंग कार है वो चलती है गूगल मैप के सहारे, यानी कि उसकी जो आपकी कार है सेफ ड्राइविंग उसकी छत पर 360 डिग्री कैमरा लगा होता है जो पूरे एरिया का मैप तैयार करता है, साथ ही सामने आने वाली गाड़ी से उसकी दूरी कहीं चेक करता है, यानी आपकी जो सेफ ड्राइविंग कार है उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, वो पूरी जो बीच की मेजर डिस्टेंस है उसका पता लगाते हैं कि इस कार से इस कार की दूरी इतनी है। साथ ही साथ वो ये पता लगाते हैं इस समय सारे साइड में जितने भी साइन बोर्ड लगे हुए हैं, चाहे वो रेड लाइट हो या फिर कितने भी साइन बोर्ड लगे हुए हो, रेड लाइट मोड़ने के या फिर जितने भी साइन बोर्ड है उन सभी को स्कैन करता है, अपनी मेमोरी में उन्हें एक्सेस करता है, साथ ही साथ ये पता लगाता है इसका मतलब ये यहाँ पर जाना है। ये होती है सेल्फ ड्राइविंग कार। और अब बात करते हैं ये इतनी आसानी से मूव कैसे कर लेती है। सेल्फ ड्राइविंग कार है उसके अंदर कई सारे हार्डवेयर लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, और साथ ही साथ उसके ऊपर जो 360 कैमरा आता है वो एक 3D मैप तैयार करता है, जिसके जरिए आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है उसे इन्फॉर्मेशन होती है कि इस वक्त इधर जाना है इधर जाना है, और साथ ही साथ सामने वो मौसम की जानकारी देता है, यानी कि सामने अगर बर्फ है तो वो उसे बता देता है कि आपको इतनी स्पीड में चलना है, साथ ही साथ अगर बारिश हो रही है तो उसी के हिसाब से वो अपनी स्पीड कंट्रोल करता है। अगर उसे कहीं पर रुकना है तो आपको उससे पहले ही अपनी गाड़ी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि मुझे यहाँ से यहाँ पर जाना है, यानी कि अपनी लोकेशन को चूज करना होता है कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है। जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है वो आपको वहाँ पर पहुँचा देती है। ये सारे काम होते हैं उनमें लगे हुए हार्डवेयर और उसकी जो प्रोसेस है उसके जरिए। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होती है और ये कैसे काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।